लिबरल टीवी लोकां दी आवाज लोकां ले। पंजाब सरकार दे स्कूल बंद करन दे फैसले दे खिलाफ हुण प्राइवेट स्कूलां दे प्रबंधक डट गए ने, खिलाफत कर दित्ती है, ऐलान कीता प्राइवेट स्कूल दे प्रबंधकां ने कि 12 अप्रैल तों स्कूल असी खोल देंगे। भारत सरकार पंजाब सरकार मन्ने जा ना मन्ने उन्हां दी खिलाफत करांगे। 12 अप्रैल तों पंजाब दे विच बरनाले दे विच प्राइवेट स्कूल खुल जाणगे। सो बरनाले तो आ रही है वड्डी खबर, जिथे प्राइवेट स्कूल फैडरेशन की एक सूबा कमेटी की मीटिंग हुई, जिस दे विच ये फैसला लिया गया कि लगातार जो पंजाब सरकार वालों रोकां लाइया जा रही ने स्कूल खुलण दे उत्ते, स्कूलों नूं ताला लाया गया, लंबे समय तो स्कूल बंद पए ने, इस फैसले की खिलाफत की जाएगी। मीटिंग दे विच ये फैसला लिया गया कि 12 अप्रैल तो प्राइवेट स्कूल मुड़ तो अपने द्वार खोल देंगे, बच्चे स्कूल आ सकणगे, क्लासां मुड़ तो स्कूलों के ही लगनगियां। ऑनलाइन माध्यम राही जिस तरह पढ़ाई हो रही सी, इस तरह कहना है कि अध्यापकों का कि इस नाल बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो हो ही रहा, बट स्कूल किस तरह इन अध्यापकों की फीस भरे, किस तरह अध्यापकों जोड़ा उन्होंने खर्चे देवे, उधर ही दर्जा चार के जोड़े वर्कर ने कोई सफाई कर्मचारी हो गया, उधर ही जोड़े ट्रांसपोर्ट वाले ने वैणा के ड्राइवर हो गए, स्कूल वैन के ड्राइवर, इन सारा का रुजगार रुकया होया क्योंकि स्कूल बंद पे ने। हुण इस कमेटी दे विच रोस दर्शाया गया पंजाब सरकार दे खिलाफ। उन्हां दा कहना है कि पिछले लगभग एक साल तो वध हो चलिया हुण जदों दे स्कूल बंद पए ने, प्राइवेट होण भावें सरकारी, जिस दे नाल कि बच्चों नूं घाटा पै रहा, स्कूलों नूं घाटा पै रहा, अध्यापकों नूं भी जिहड़ियां दिक्कतां आ रही ने, उधर ही कई सारे कर्मचारी रुजगार तो जिहड़े ने उह हीन हो गए ने, उन्हां कोल किसे भी तरीके का रुजगार नहीं। हुण इन्हां दा फैडरेशन वालियां दा कहना बयान दिता उन्हां ने कि जिथे पंजाब सरकार वल्लों रेस्टोरेंट खुले जाण दी इजाजत दित्ती गई है, जिथे शराब दे ठेके खुले ने, उत्थे स्कूलों दे उत्ते ही ताला लाउण दा की मतलब है? करोना दे नाल करोना नूं रोकण वास्ते इस तरह किस तरह मदद मिल सकती है सिर्फ स्कूल बंद करके ही? सो वड्डा फैसला लिया गया प्राइवेट स्कूल फैडरेशन वल्लों बरनाले दे विच। हुण बरनाले जिले दे नाल जिहड़े जुड़े हुए स्कूल ने, बरनाले जिले दे विच जिन्ने प्राइवेट स्कूल ने, उन्हां वल्लों इस फैसले नूं, प्राइवेट स्कूल फैडरेशन दे फैसले नूं हामी फड़ा दित्ती गई है कि 12 अप्रैल तों प्राइवेट स्कूल बरनाले जिले दे विच हुण खोले जाणगे। पंजाब सरकार दीआं हदायतां दा जिहड़ा है खिलाफत की जाएगी, उस दे खिलाफ रोस प्रदर्शन किया जाएगा। सो वड्डा फैसला हो सकता है इस तो बाद सूबे दे विच, पंजाब सूबे दे विच होर थावां दे विच भी इस तरह की खिलाफत सामने आ जाए, क्योंकि लंबे समय तो स्कूल दे प्रबंधकां दे विच इस तरह का रोस तो पाया जा रहा है। पंजाब दे भांत भांत तो इह जिहियां खबरां सामने आ रही ने, जिथे अध्यापकों के उत्ते, स्कूल प्रबंधकों के उत्ते मापियां वालों दोष लाए गए ने, बच्चों के मापियां वालों की लगातार साढ़े तो फीस की मांग कर रहे हैं पर क्लासा नहीं चल रही। उधर स्कूल वालों वालों ये कहा गया कि असी किस तरह अध्यापकों के पैसे देिए, असी उन्होंने तनखावां किस तरह देिए, क्योंकि बच्चों के मापे सानू फीसा देने तो ना कर रहे हैं क्योंकि क्लासा लगातार जिहड़ियां बंद पईयां ने। सो विवादक माहौल बनया होया स्कूल बंद रहने लगातार। हुण बरनाला दे विच प्राइवेट स्कूल फैडरेशन की एक सूबा कमेटी की मीटिंग हुई है, जिस दे विच फैसला लिया गया पंजाब सरकार दे स्कूल नूं ताला लाने वाले फैसले की खिलाफत की जाएगी। 12 अप्रैल नूं, आने वाली 12 अप्रैल नूं प्राइवेट स्कूल बरनाला दे विच मुड़ तो खोले जाणगे। सो तुसीं दिओ कमेंटां दे विच अपने विचार कि स्कूल नूं ताला ला के रखना जायज़ है, करोना दे समय स्कूल बंद रहने चाहिए ने जां फिर खोले जाने चाहिए ने, कि यह फैसला 12 अप्रैल नूं मुड़ तो प्राइवेट स्कूल खोलण वाला जायज़ है? तुसीं अपने बच्चों नूं स्कूल दे विच भेजोगे जे 12 अप्रैल तो स्कूल खुलते हैं? दसो अपने विचार कमेंटा दे विच। देश विदेश दीआं होर खबरां देखण वास्ते इसे तरह जुड़े रहो लिबरल टीवी पंजाबी दे नाल, लोकां दी आवाज़ लोकां लई। लिबरल टीवी पंजाबी।